मैं मुझे पिछले 2-3 साल से एसिड रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम थी। सर्जरी के 2-3 घंटे बाद मैं थोड़ा चलने फिरने लगा और मुझे लिक्विड दिया जाने लगा। मैं लिक्विड लिया, फिर रात को थोड़ा थोड़ा खाना खाया। डॉक्टर साहब ने मेरी एंटासिड तो पहले ही बंद कर रखी थी, कुछ नॉर्मल मेडिसिन मेरे साथ चल रहा था, वो भी मेडिसिन अब पूरी तरह बंद है। मेरा नाम राजेश चौबे, मैं यूपी उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ राजस्थान भिवाड़ी में जॉब करता हूँ। मैं मुझे पिछले 2-3 साल से एसिड रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम थी और जिसके कारण मैं बहुत परेशान था। मैंने बहुत सारे मेडिसिन खाई, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, बट मेरे को कोई रिलीफ नहीं हुआ। एक बार मैं यूट्यूब में सर्च किया और मुझे डॉक्टर चिराग सर का वीडियोस मिला। उस वीडियो से मैं देखकर बड़ा प्रभावित हुआ और फिर मैं उनके एडोरेट क्लिनिक सेंटर अहमदाबाद गोडक देव पे आने की सोची। यहाँ पर आने के बाद मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया और उन्होंने मुझे पीएच मैनोमेट्री टेस्ट का सुझाव दिया। मैं 24 घंटे टेस्ट के बाद मेरा रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट को देख के बताया कि आपको सर्जरी करवाना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताऊं कि सर्जरी पहले तो मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे अच्छी तरह से समझाया और बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर मैं रेडी हो गया। सर्जरी के 2-3 घंटे बाद मैं थोड़ा चलने फिरने लगा और मुझे लिक्विड दिया जाने लगा। मैं लिक्विड लिया, फिर रात को थोड़ा थोड़ा खाना खाया और सर्जरी के दूसरे दिन बाद डॉक्टर साहब ने मुझे रिलीज किया। शाम तक रिलीज हो गया और मैं अपने घर आया। आज सर्जरी के 6 महीने बाद मैं डॉक्टर साहब से फॉलोअप के लिए आया हूँ। मुझे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है और मैं सारी चीजें अच्छी प्रकार से खा पी रहा हूँ और डॉक्टर साहब ने मेरी एंटासिड तो पहले ही बंद कर रखी थी, कुछ नॉर्मल मेडिसिन मेरे साथ चल रहा था, वो भी मेडिसिन अब पूरी तरह बंद है और मैं आज अच्छी तरह बिल्कुल सही हूँ।